नमस्कार, मैं सुमन कोहली, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगी घर की किचन के वास्तु के बारे में कि घर में जो किचन होता है उसका वास्तु कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो घर में किचन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। किचन जो है इसमें क्या होता है कि आग से हम काम करते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो गैस का यूज होता है, तो इसका मतलब है कि ये अग्नि तत्व जो है वो है साउथ ईस्ट में। तो इसलिए किचन जो है घर में वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। और साउथ ईस्ट जो है वो वीनस का भी जो उसकी डायरेक्शन जो है उसका मेन प्लेनेट वीनस है। वीनस फीमेल्स के साथ है, रिलेटेड है, तो किचन में ज़्यादा काम जो है फीमेल ही करती हैं। तो इसलिए किचन घर में साउथ ईस्ट अग्नि कोण में होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि कैसे होना चाहिए, कि उसमें क्या सावधानियां हमें यूज करनी चाहिए किचन बनाते हुए। सबसे पहले तो हम देखेंगे किचन में गैस का होना चाहिए। किचन में जो गैस है वो ईस्ट फेसिंग, खाना बनाते हुए हमारा फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और जो पानी है, गैस, चूल्हा और पानी, ये दोनों एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए, एक ही सीध में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अग्नि और जल ये दोनों आपस में एनिमीज हैं, दुश्मन हैं। अब हम देखते हैं, ज़्यादातर मैं देखती हूँ जहाँ भी जाते हैं तो किचन की जो स्लैब होती है वो ब्लैक ग्रेनाइट में होती है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्लैक ग्रेनाइट अवॉइड करें। और या कभी कभी हम देखते हैं कि रेड कलर में, लाल रंग में भी जो होती है स्लैब होती है। देखिए वहाँ पहले ही अग्नि तत्व है, और अगर वहाँ पर लाल रंग का स्लैब होगा तो उससे क्या होगा, एग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसे भी अवॉइड करें। हो सके तो किचन में जो स्लैब है वो वाइट, ऑफ वाइट, ऐसे ग्रेनाइट में होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इवन कि किचन में जो कलर्स हैं, यानी कि जो पेंट है, कलर है, वो भी लाइट कलर में ही होना चाहिए। और वहाँ पर जो स्टोरेज है, जैसे कि मैंने अपना पहले वीडियो में भी बताया था कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ये खुला होना चाहिए, ये लाइट होना चाहिए, और ये यहाँ पर रोशनी आनी चाहिए, ये हल्का होना चाहिए। तो ठीक किचन में भी इसी तरह हम देखेंगे कि किचन का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये जो है थोड़ा खुला होना चाहिए, और इसके अपोजिट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट यहाँ पर हैवी होना चाहिए। तो हैवी में क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम स्टोरेज कर सकते हैं। जो कैबिनेट बनाते हैं तो वहाँ पर हम किचन के लिए कैबिनेट जो है वो साउथ साइड में बना सकते हैं, वेस्ट साइड में बना सकते हैं। और हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि किचन जो है, किचन बाथरूम के साथ दोनों का सेम एक वॉल नहीं होने चाहिए, दीवार एक नहीं होनी चाहिए, किचन और बाथरूम दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। अगर किसी के घर में साउथ ईस्ट में किचन बनाना पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट में भी किचन बना सकते हैं, पर यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किचन के साथ कभी भी बाथरूम अटैच नहीं हो, सॉरी, किचन के साथ कभी भी जो है बाथरूम साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही दीवार नहीं होना चाहिए दोनों के लिए। तो किचन के लिए ऐसे छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये जो मेन बातें मैंने आपको बताया है ये बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना अगला वास्तु टिप दूँ। थैंक यू।